अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, खुशामदीद। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो है रमज़ान के महीने में मुमरा कोसा में कैसे अचानक राजनीतिक उबाल आया हुआ है और किस तरह की तेज़ी से राजनीतिक घटनाएं एक के बाद एक घटती जा रही है उसको लेकर के जो है एक सिलसिलेवार खबर बताने जा रहे हैं। इस खबर के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में जो है एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाना और कई पार्टियों में एक साथ नजर आने के कारण कहीं का न रहना, इस तरह की राजनीतिक घटनाएं शामिल है। तो दूसरे हिस्से में जो है यहां पर जो कोकण ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो इलेक्शन हो रहा है, कोकण स्नातक विधान परिषद चुनाव, उसको लेकर के जो है हम आपको इस खबर में जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि अभी सोमवार के दिन शहर की राजनीति में अचानक बड़ी करवट आई। सबसे पहले हम आपको आज बता दें कि सोमवार के दिन शहर की राजनीति में एक अचानक नया मोड़ आया और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगर सेवक साजिद अंसारी, जो कि प्रभाग 61 और अभी का प्रभाग 30 कहलाता है, इस इलाके से वर्ष 2015 से लेकर के वर्ष 2017 जनवरी तक जो है वो नगर सेवक रह चुके हैं। आज अचानक सोमवार को उन्होंने विधायक वारिस पठान की मौजूदगी में मुंबई में उनके कार्यालय में जो है यहाँ के स्थानीय अध्यक्ष एमआईएम के अब्दुल रऊफ लाला, नसीर खान, कमर खान और अन्य दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पार्टी में प्रवेश किया। आप देखेंगे कि अपने इस निर्णय को लेकर के और हिंदुस्तानी रिपोर्टर से बातचीत के दौरान साजिद अंसारी ने क्या कहा और क्या नहीं कहा वो आप देखेंगे। साजिद अंसारी साहब, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में काफी सक्रिय थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर आप पार्टी के एक वरिष्ठ नगर सेवक, विपक्षी नेता रह चुके नजीब मुल्ला जैसे नेतृत्व के भारी समर्थक भी रहे, भारी उनके करीब भी रहे, यहाँ तक कि यहाँ के जो विधायक हैं जितेंद्र आवाड़, उनके साथ में भी आपकी काफी करीबियत रही। उसके बावजूद जो है आपने आज एमआईएम में प्रवेश किया है, कहीं इसके पीछे वर्ष 2017 के मनपा चुनाव में जो आपके साथ छल कपट की राजनीति पार्टी के अंतर्गत की गई थी, जैसे कि वोटिंग लिस्ट से आपका नाम ही काट दिया गया था और आपके चुनाव लड़ने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे, क्या ये वजह तो नहीं है उसके पीछे, या इससे जुड़ी और भी कुछ वजूहत है, इसके बारे में आप हिंदुस्तानी रिपोर्टर के माध्यम से लोगों को बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2007 से 2017 तक मैं राष्ट्रवादी में ज्वाइन हुआ। 2007 में मेरा भाई जो है जावेद अंसारी, उस वक्त इलेक्शन लड़ा था राष्ट्रपति से, जब से मैं इस पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ। और मुझे 2015 में मतलब राष्ट्रवादी की टिकट मिली गई, उस वक्त मैं लड़ने के बाद मैं चुनाव को जीता हूँ। और 2017 में जब इलेक्शन मेरा जब पूरा पीरियड ख़त्म हुआ है, उसके बाद मेरा यादी में से नाम गायब हो गया था। उसके बाद ऐसा था कि मतलब 7 तारीख को मुझे फॉर्म भरने का था, तो मुझे फ़ोन आता है कि आप 25 लाख जमा करो, हम लोग रात में आएंगे और दे देंगे और आपके एरिया को सुबह बी फॉर्म मिल जाएंगे। मैं 10 बजे तक घर में बैठ के इंतजार करता हूँ, मुझे फ़ोन आता है, मेरे जो भाई है नजीब मुल्ला साहब, उनका फ़ोन आता है कि आप 5 जन को जाके फॉर्म भर दो, आपको 1 बजे बी फॉर्म मिल जाएंगे। तो मुझे 1 बजे बी फॉर्म नहीं मिलने की वजह से भी मैं उसके लिए मतलब नाराज़ नहीं हूँ। मैंने 18 महीने जो वार्ड में पूरा काम किया, वो भी दिल लगा के, मतलब काम मेरा करना, तो जाहिर सी बात है मतलब मैं काम कर रहा था, आमदार का नाम हो रहा है, और ऐसा तो नहीं खाली मेरा नाम हो रहा है, एक आमदार का नाम हो रहा है। मगर हमारा आमदार जो है कान का कच्चा है, कान का कच्चा है इसलिए कि मतलब कि बस साजिद ने ये बोल दिया है, साजिद ने बोल दिया है। मगर साजिद ने ये बोला तो सामने बोला कि आप पूछो, क्योंकि आप पार्टी के सीनियर लीडर हो, आपने मुझे टिकट दी तो कुछ सोच समझ के दिए होंगे, आप किसकी बातों में आके कुछ फैसला लोगे। आज हमारा वार्ड पूरा लावारिस पड़ा है। अभी मैं बिहाली में गुलाबपार में ट्रांसफार्मर का काम किया, वहाँ के लोगों का फ़ोन आया, मैं जाके बनाया IMACBI को लेके, किसने आधे घंटे का ले किसी का ड्यू निकाल दिया। मतलब मैं काम कर रहा हूँ तो NCP वाले वहाँ जाके हरकत कर रहे हैं कि मतलब ये उठे नहीं, ये चले नहीं। अरे उठना चलना सब अल्लाह के हाथ में, तुम्हारे में क्या ताकत है जो मुझे उठाओगे नहीं, ये ऐसी राजनीति मेरे साथ में कर रहे हैं, तो मैं इनके पास से क्या उम्मीद रखूँ कि ये लोग मेरे लिए अच्छा सोचेंगे। तो मैं सोचा मेरे लिए बेहतर जो है IMM का दरवाज़ा है, तो मैं उसमें जाके जो मेरे को एक शौक़ है काम करने का, तो मैं अपना शौक़ उधर ही जाके पूरा करूँ। अल्लाह मेरे से मदद लें मेरे कौम के लिए और जो हिंदू भाई लोग हैं उनके लिए, मैं उनको काम करना चाहता हूँ, ये मेरे अंदर जज्बा है।
क्या सोचा है अभी आपने MIM में, किस तरह से आप अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे, किस तरीके से शहरवासियों के लिए जो है जो आप जज्बा आप बता रहे हैं उसको अमल में लाएंगे? इंशाल्लाह काम तो करूंगा मैं। अभी जैसे आज मैंने इंशाल्लाह वारिस पठान साहब के हाथ से जो है पार्टी में प्रवेश किया हूँ। हमारे मुमरा कलवा के प्रेसिडेंट अब्दुल रऊफ साहब, अमर भाई, नासिर भाई और जो पार्टी के कार्यकर्ता में से जो पुराने वो सब वहाँ मौजूद थे। अभी कोई मेरी कोई पोस्ट डिक्लेयर नहीं हुई है। जब उस पोस्ट डिक्लेयर हो या ना हो मुझे, मगर मैं काम करने के शौक से वहाँ गया हूँ तो मुझे इंशाल्लाह काम करना है। और मेरी यही है, मेरे दिल की मंशा यही है कि मैं काम करूँ, पोस्ट मिले नहीं मिले मैं MIM से जुड़े रहूँ। जैसे मैं ईमानदारी से वहाँ जुड़ा हुआ था, वहाँ ईमानदारी कदर तो नहीं मिली, इंशाल्लाह मैं यहाँ ईमानदारी से जुड़े रहूँगा। और जो पार्टी का जो मतलब वरिष्ठ अब्दुल रऊफ साहब के जो है उनके पीछे चलने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। साजिद साहब, एक बात ऐसी है कि अब तक का यानी कि विधानसभा के वर्ष 2014 के चुनावों में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर जो है एंट्री की थी, प्रवेश किया था। तब से लेकर के ये 2018 चल रहा है, वो चुनाव 2017 का मनपा चुनाव ये, और उसके बाद अब तक का ये बीता हुआ साल सवा साल, इस पूरे पीरियड के अंदर एक बात जो है साफ और वाजे तौर से MIM को लेकर के सामने आई है कि MIM के लिए, MIM का परचम लेकर के, MIM का झंडा लेकर के जो भी लोग फील्ड में एक्टिव रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ करने की जुस्तजू की है, तो हमेशा ऐसे लोगों की पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने जो है अनदेखी की। कहीं ऐसा आपके साथ हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा तो नहीं होगा। जैसे मैं आपको इससे पहले थोड़ी देर पहला कि मैं अब्दुल रऊफ लाला के साथ पीछे चलूंगा, इंशाल्लाह उनके पीछे चलूंगा, तो मेरे को पार्टी का सीनियर है, वो सीनियर है तो उनके पीछे चलने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। और कैसा है, जब 2014 में विधानसभा का जब इलेक्शन हुआ था उस वक्त जो है MIM पार्टी उस वक्त नहीं उतरी थी। नहीं उतरने के बाद भी माशाल्लाह जो ने 16,000 मुमरा से वोट लिया था, उस तारीख से लेकर जब 2017 में महानगर पालिका चुनाव आया है तो उनने अपनी दो सीट भी निकाली। तो सुनो, आप 2014 से लेके 17 तक वो 3 साल में उनने इतनी मेहनत की, जो भी पोस्ट होल्डर कार्यकर्ता थे उनने इतनी मेहनत की कि आज उनने 2 सीट निकाली। आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह उनकी सीट और बढ़ेगी। तो ये कसम, ये मतलब जब उनकी सीट बढ़ेंगी तो एक ताकत जब बनेगी, आज मैं आया हूँ, मेरे साथ में इंशाल्लाह लोग और आएंगे और जुड़ेंगे, मैं चाहूँगा कि मेरे साथ में और लोग जुड़े, मेरी पार्टी की ताकत बढ़े। तो हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि विधानसभा के अंदर इलेक्शन में भी 2019 में एक अच्छा कैंडिडेट दें तो हम लोग इंशाल्लाह उसमें टफ करेंगे। तो जैसे आप लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं अंसारी साहब, तो उसमें आप क्या मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जो भी राष्ट्रवादी में नाराज लोग हैं उन्हें MIM से जोड़ने की जो है कुछ कोशिश की जाए या उस पर कुछ मेहनत की जाए? इंशाल्लाह जरूर करूँगा। और आज भी जब मैं वारिस पठान साहब के यहाँ से जब ये मैंने मफलर पहना हूँ MIM का, तो मैं तीन पोस्ट होटल लेके गया था NCP के मेरे सामने। कौन कौन लोग थे वो और क्या क्या उनके अहदे थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में? एक तो अपना निसार लतीफ़ है, हमारे कोकण मेडिकल के पास रहते हैं, उनकी कौसा ब्लॉक प्रेसिडेंट के नीचे जो पोस्ट होती है उनको वो पोस्ट थी, और एक उपाध्यक्ष की पोस्ट, उपाध्यक्ष की पोस्ट थी। अच्छा, निसार लतीफ़। हाँ, और एक शफीक सैयद हैं, शफीक सैयद, वो मतलब हमारी गली में मस्जिद के कारण वो आ नहीं पाए। अच्छा, और दो जन थे, उनकी पोस्ट इतना मतलब मुझे मालूम नहीं है, मगर साथ में मेरे थे। अच्छा, मतलब लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी थे। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद अंसारी साहब, हिंदुस्तानी रिपोर्टर के साथ बात करने के लिए और अपनी बातें मुमरा कौसा की आवाम के सामने रखने के लिए। वैसे तो आम तौर पर रमजान महीने में ज्यादातर मुस्लिम इलाकों में इबादत का माहौल होता है, लोग जो है पूरी तरह से अपने आप को रमजान में झोंकने के लिए जो है वो रात दिन लगे रहते हैं। लेकिन अचानक अगर किसी मुस्लिम इलाके में किसी भी तरह का अगर चुनाव हो तो रमजान के दौरान जो है इबादत के साथ साथ उन इलाकों में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो जाती है। जैसे कि अब लोकसभा के चुनावों में महज एक 6 से 8 महीने, बहुत बहुत 9 महीने का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में जो है राजनीतिक गतिविधियां शहर में धीरे धीरे जो है वो तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में पहली गतिविधि जो हुई वो ये थी कि एक सप्ताह पहले सपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अबू असीम आजमी कौसा में अपने एक समर्थक के यहाँ आए थे, वहाँ एक शहरी की दावत का आयोजन किया गया था। इस दावत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वसीम सैयद, जो कि कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और इसी कार्यकारिणी के संयुक्त सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी सिकंदर खान भी मौजूद थे। इसी तरह उनके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हसन मुलानी भी
वहां मौजूद थे। बता दें कि हसन मुलानी भी पहले MIM में रह चुके हैं। उन्होंने MIM छोड़ करके मनपा चुनाव के दौरान जो है राष्ट्रवादी का दामन थामा था। अब इस मुलाकात के दूसरे दिन सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने MIM के ज्वाइंट सेक्रेटरी सिकंदर खान की नियुक्ति जो है कलवा मुमरा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद पर करने की घोषणा की। उस तरह का उन्हें नियुक्ति पत्र दिया। इस खबर के बाद एक अचानक सा जो है शहर की राजनीति में जो है और सोशल मीडिया पर बवाल सा मचा। एक गतिविधियों की लहर सी उमड़ पड़ी, प्रतिक्रियाएं आने लगी। इसके साथ दूसरी जो जुड़ी हुई घटना थी, MIM में सबसे क्रियाशील माने जाने वाले, सक्रिय माने जाने वाले, हमेशा एक्टिव रहने वाले वसीम सैयद को जो है पार्टी विरोधी गतिविधियां करने का आरोप रख करके स्थानीय अध्यक्ष अब्दुल रऊफ लाला ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसी तरह सिकंदर खान को भी निष्कासित कर दिया, लेकिन सिकंदर खान के मामले में MIM और अध्यक्ष रऊफ लाला चूक गए, क्योंकि 2 से 3 दिन बीत चुके थे उनको सपा का अध्यक्ष बने उसके बाद उन्होंने ये कार्रवाई उनके खिलाफ की। और अपने निष्कासन को लेकर के MIM के सक्रिय वसीम सैयद ने क्या कहा, उनसे भी हमने बातचीत की, वो भी आप इसमें देखेंगे और सुनेंगे, और उनकी बातें कहां तक ठीक है उस पर आप जो है सोच विचार करेंगे। वसीम साहब, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर के? सबसे पहली बात तो रफीक भाई, ये जो निष्कासित होने की जो बात है, ये मेरी आज तक के समझ में नहीं आ पा रही है कि या तो उसको निष्कासित किया गया है तो उसकी कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है कि व्हाट्सएप के ज़रिए से लोगों के अंदर खबर आ रही है। और अभी आपने भी मुझको बताया तो इस तरीके से मुझको मालूम पड़ा कि मुझको निष्कासित कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि अब्दुल रऊफ लाला शायद पहली बार सदर बने, इसलिए उनको पार्टी चलाने का तजुर्बा नहीं है, तो उनको जो कार्रवाई जो है कायदे की शायद वो पूरी कर लेनी चाहिए, और उसके बाद फिर जो आगे के जवाब रहेंगे मैं इंशाल्लाह मीडिया में खुलकर कहूँगा। आप मेरे बुज़ुर्ग हैं हमेशा से, और आपने हमेशा से एक सच्ची पत्रकारिता की है, तो सिर्फ आपके बोलने की वजह से मैं आज आकर मीडिया में ये पहला बयान देना चाह रहा हूँ कि मुझको मेरे टर्मिनेशन का कोई इल्म नहीं है, ना ही मेरे पास कोई प्रूफ है। मतलब आपको वो जो निष्कासन का लेटर जो है सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसे खुद आपके यहाँ के सदर जो है अब्दुल रऊफ लाला उन्होंने किया है, उनके करीबी साथी जितने भी हैं उन्होंने किया है, तो वो उन्होंने आपको भेजा नहीं है? अगर उन्होंने मेरे पास अगर वो लेटर भेजा है तो उनके पास रिसीव कॉपी होना चाहिए, मैं समझता हूँ। अगर वो रिसीव कॉपी है तो मैं आप जैसे अच्छे पत्रकार के ज़रिए से ये कहना चाहता हूँ उनके पास कि आप जो है मीडिया के अंदर वो रिसीव कॉपी चलाएं, और ना सिर्फ ये बल्कि जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पद नियुक्ति के भी और दूसरे जो लोगों को पद दिए गए वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप तक के पहुँचें। इस संबंध में आपने कुछ दारुसलाम यानी हैदराबाद में कुछ बातचीत वगैरह की इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, जो दागी होगा, जो गलत होगा, वो जाके अपनी सफाई पेश करे। मैं समझता हूँ कि मैं अपनी जो भूमिका है, जो मेरा रोल है, मैं ईमानदारी से प्ले कर रहा हूँ, और रमज़ान जो है वो वैसे भी इबादत का महीना है, तो ये सब चीज़ों के लिए भी वक्त नहीं है। इंशाल्लाह ईद बाद जो भी होगी उसकी आगे कार्रवाई देखी जाएगी। पार्टी में जो आपके साथी हैं, समर्थक हैं, वो क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर के, क्या उनका सोचना है इस संबंध में? मैं समझता हूँ अगर सच्चाई की तरफ जो लोग झुके होंगे, जो सच होगा उसका साथ दें। मेरी पर्सनल फैन फॉलोइंग के लिए मैं ये सब बातें नहीं कहना चाहता। मैं समझता हूँ कि लोग सच को सही समझते हैं, सच का साथ देते हैं, जो सच होगा वो उसके साथ रहेंगे, अगर मैं झूठ हूँ तो मेरे साथ नहीं रहेंगे। ये थे मुमरा में रमजान में जो राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई है उसको लेकर के हमारे साथ MIM के निष्कासित किए हुए ऐसा पार्टी के यहाँ के जो करता धरता है उनका कहना है, जबकि इस संबंध में अधिकृत रूप से अभी तक स्वयं वसीम सैयद के पास निष्कासन का कोई पत्र पहुंचा नहीं है, ऐसा उनका कहना है। अब इस बात को लेकर के आगे MIM में क्या नया मोड़ आएगा, क्या घमासान होगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए इस खबर का दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा जो सेगमेंट है, वो हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल जो है आज 12 जून की तारीख हो चुकी है, और आज जो है कोकण ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो MLC का इलेक्शन है, विधान परिषद का जो चुनाव है, उसकी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई है। इन
सरगर्मियों में, चुनावी गतिविधियों में तीन पार्टियां उतरी हुई हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मनपा के पूर्व विपक्ष नेता और युवा मुस्लिम नेता के तौर पर जिनकी छवि है और विवादों से भी हमेशा उनका नाता पुराना रहा है, ऐसे नजीब मुल्ला को जो है उन्होंने इस चुनाव में उतारा है। जबकि पहली बार जनसंघ कहें या भाजपा कहें, उनके गढ़ से ये सीट छीन करके इस कोकण ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलसी बनने वाले, पहले राकापा में रह चुके और अब भाजपा में जा चुके दिवंगत विधान परिषद के उपसभापति वसंत डावखरे के पुत्र बेटे निरंजन डावखरे को जो है भाजपा ने उम्मीदवारी दी है। कुछ अरसा पहले ही उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, एमएलसी पद से इस्तीफा दिया और भाजपा में प्रवेश किया। प्रवेश के दौरान ही या उससे पहले ही उनकी भाजपा के साथ डील हो चुकी थी कि इस कोकण ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो उम्मीदवारी है वो उन्हें ही दी जाएगी। उसे भी लेकर के थाने में भाजपा के खेमों में नाराजगी है। शहर अध्यक्ष संदीप लेले जैसे जो इस चुनाव पर जो है उम्मीदवार बनने के लिए प्रयत्नशील थे, कोशिश कर रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उनके साथ न्याय करेगी, वो इतने वर्षों से काम कर रहे, लेकिन निरंजन डावखरे को जो है पार्टी में आयात कर उन्हें उम्मीदवारी दिए जाने से उन्हें बड़ा धक्का पहुंचा है और उन्होंने पार्टी में अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। इसी तरह से सिकंदर खान पार्टी में, समाजवादी पार्टी में चले गए तो पुराने सपाइयों में जो है वो बड़ी ही जो है खुसुर फुसुर चल रही है, कहीं कहीं तेज और बागी सुर भी सुनाई दे रहे हैं कि पुराने लोगों को नजरअंदाज करके आए हुए एक आदमी को जो है दूसरी पार्टी से फौरन अध्यक्ष बना दिया जा रहा है और दूसरे पुराने पार्टी कार्यकर्ताओं के काम को जो है देखा नहीं जा रहा है, जांचा नहीं जा रहा है, परखा नहीं जा रहा है। और आगे अगर इसी तरीके से रहा तो ढाक के तीन पात वाला काम सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी करेंगे कि अगर ये अध्यक्ष भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो हमेशा से जो है रिजर्व अध्यक्ष कहलाने वाले आदिल खान आजमी को जो है फिर से अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा, ऐसा इन नाराज लोगों का कहना है। अब हम फिर मुड़ते हैं ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलसी इलेक्शन पर। ये भाजपा के निरंजन डावखरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नजीब मुल्ला और शिवसेना ने पूर्व महापौर संजय मोरे को उम्मीदवारी देकर के उतारा है। पालघर, ठाणे जिला, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, इन पांच जिलों में मिला करके ये ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है और यहाँ के जो ग्रेजुएट लोग हैं जिन्होंने इस ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो मतदाता सूची बनती है अलग से उसमें अपने नाम दर्ज कराकर रखे हैं वही लोग जो है इसमें मतदान कर सकते हैं। तो इसमें लगभग 1,10,000 से 15,000 के करीब जो है इन पूरे पांच जिलों में मतदाता है और इनमें से सबसे ज़्यादा 46% मतदाता जो है वो ठाणे जिले में है। तो साफ बात है कि ठाणे जिले में जिसका वर्चस्व होगा, जो बढ़त बनाएगा, जो आगे रहेगा, वही ये सीट मारेगा। अब इसी चुनाव को लेकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं नजीब मुल्ला, उनको लेकर दो तरह की चर्चाएं की जा रही है। एक तो मुस्लिम उम्मीदवार होने के कारण जो है राबोड़ी, महागिरी, हजूरी और मुमरा कौसा जैसे मुस्लिम इलाकों में उनके लिए सहानुभूति है, ग्रेजुएट मतदाता जो है वो सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो नजीब मुल्ला को ही वोट देंगे। तो इस 1,15,000 वोटों के अंदर जो है राबोड़ी, हजूरी, महागिरी और मुमरा कौसा और कलवा जैसा छोटा इलाका भी मिला करके हम अगर बात करें तो बहुत मुश्किल से 2 से 2,500 वोट है और इन 2,500 वोटों पर नजीब मुल्ला की विजयी गणित कैसे बनेगी, कैसे उसको विधायक जितेंद्र अवार्ड और उनके दूसरे पार्टी के वरिष्ठ नेता बनाएंगे, ये तो 28 जून को पता चलेगा जब इस चुनाव का नतीजा सामने आएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक मत प्रवाह ये भी है लोगों के बीच में, सोशल मीडिया पर इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने मिल रही है कि फिर एक बार महापौर चुनाव की तरह जो है नजीब मुल्ला को जो है बलि का बकरा बनाया जा रहा है। एमआईएम जैसी विपक्ष पार्टी जो है वो जो हमेशा फेसबुक और व्हाट्सएप पर नजर आती है वो फेसबुक और व्हाट्सएप पर लिख रही है कि ये फिर एक बार मुस्लिम लीडरशिप को जो है खत्म करने का राष्ट्रवादी के एक बड़े नेता का अंदरूनी प्रयास है। अब ये आरोप कितना सच्चा है, कितना झूठ है, इसमें कितना वजन है
और कितना नहीं, ये तो मुमरा कौसा के थाने के मुस्लिम इलाकों के लोगों ने तय करना है। और इसमें महापौर चुनाव के दौरान क्या हुआ था वो लोगों को पता है, और अब जो हो रहा है वो भी लोगों के सामने आएगा। बहरहाल चुनावी इस समर के अंदर नजीब मुल्ला को बढ़त दिलाने के लिए, उनको इस चुनाव में जीत दिलाने के लिए मुमरा कौसा के लगभग सभी जो नगर सेवक यहाँ मौजूद हैं, जो पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, वो जी जान से जुटे हुए हैं। भिवंडी, कल्याण, नवी मुंबई, मुमरा कौसा, कलवा, थाने, इन सभी इलाकों में वो जो है मतदाताओं से जो है सक्रिय रूप से संपर्क कर नजीब मुल्ला को वोट करने की अपील कर रहे हैं। भाजपा में भी भले नाराजगी है, लेकिन भाजपा का जो कैडर है उसके साथ में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कैडर है वो पूरी तरीके से निरंजन डावखरे की जीत के लिए कमर कस करके मैदान में उतर चुका है। चुनावी इस समर के प्रचार के पहले दौर के हिस्से में शिवसेना अभी तक सबसे पिछड़ी भी नजर आती है। शिवसेना की तरफ से जो उम्मीदवार है पूर्व महापौर संजय मोरे, उनके प्रचार की, उनके आगे बढ़ने की कोई गतिविधियां अभी तक सामने आई नहीं। तो कुल मिलाकर के ये थी रमजान और राजनीति को लेकर के मुमरा कौसा में क्या माहौल है उस पर आज की हमारी खबर, जो कि आपने पूरे खुलासे के साथ सुनी। इसी तरह की अब हम आपसे वादा करते हैं कि हर महीने में पूरे शहर की राजनीतिक और उससे जुड़ी हुई प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर के एक लेखा जोखा वाली रिपोर्ट हर महीने हम आपको देंगे, दिखाएंगे और आप तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। जल्द हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।